The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hoon Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, kya corona virus mother se child ko? एक माता से बच्चे को हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कई लोगों के दिमाग में है, कई सवाल आए थे इसलिए इस पे बना रहे हैं वीडियो। बच्चों में कोरोना वायरस का क्या लेना देना है, उसमें क्या ध्यान रखना है, सिम्टम क्या है, टेस्ट कब करने हैं, अस्पताल में भर्ती कब होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, वार्निंग साइन क्या है, उस पर वीडियो ऑलरेडी है, जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है सीरीज में। और मदर को देखिए, वैसे अगर हम एविडेंस की बात करें, रिसर्च की बात करें, आप तक के जितने भी केसेस हुए हैं चाइना में, चाहे कहीं भी, चाहे अमेरिका में, बड़ी बड़ी कंट्रीज में, इवन इंडिया में, तो ऐसा कोई ठोस एविडेंस नहीं है कि इस कोरोना वायरस का वर्टिकल ट्रांसमिशन हो। वर्टिकल ट्रांसमिशन मीन, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में अगर उसके अंदर कोरोना वायरस जाता है तो गर्भ के अंदर ही बच्चे के अंदर कोरोना वायरस चला जाएगा, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो ऐसा अब तक नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है, तो बच्चे के अंदर डायरेक्ट नहीं जाता है, गर्भ के अंदर बच्चा है तो फिलहाल उसके अंदर नहीं जाता। दूसरा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन और डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट मीन्स कभी कभी डिलीवरी के टाइम पर ब्लड कॉन्टैक्ट हो सकता है, उस समय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सके आपके ब्लड से कोरोना वायरस उसमें जाता है, उसका भी कोई ठोस एविडेंस नहीं है। तो मदर से चाइल्ड को अभी वर्टिकल और डायरेक्ट ट्रांसमिशन थ्रू ब्लड, अभी फिलहाल इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो मदर से बच्चे को यानी अगर मदर को हो भी जाए तो बच्चा उस समय तो ठीक है, सेफ है। लेकिन कुछ एविडेंस है, कुछ ऐसे केसेस देखने में आए हैं जिसमें के ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, कुछ केसेस है जिसमें ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ट्रांसमिशन पॉसिबल है कुछ केसेस में, बट ये लेस लाइकली है लेकिन पॉसिबल है। तो इसी वजह से सीडीसी ने रेकमेंड किया है, अगर कोई मदर, कोई लेडी पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, तो अगर उनके बच्चे प्री टर्म है और या उनके बच्चे जो पैदा हुए हैं, बच्चा जो पैदा हुआ है, उस बच्चे को कोई अंडरलाइन कंडीशन है, मान लीजिए कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है या किसी भी प्रकार का रिस्क है, वैसे ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो उनको फिजिकल सेपरेशन रखना चाहिए। मतलब पैदा होने के बाद मदर को बच्चे को अलग रखना चाहिए। ऐसे में कैसे कंडीशंस में रखना पड़ सकता है, प्री टर्म बच्चा हो यानी कि जल्दी पैदा हो जाए, या फिर कोई अंडरलाइन कंडीशन हो बच्चे को। और अगर कोई मदर एक नॉर्मल बच्चे को भी, जो पॉजिटिव मदर है जिनकी कोरोना वायरस पॉजिटिव है, वो अपने नॉर्मल बच्चे को अगर वो ब्रेस्ट फीड करना चाहती है, माँ का दूध पिलाना चाहते हैं, या स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मदर पॉजिटिव है बच्चा नेगेटिव है, याद रखिए, तब बहुत जरूरी है कि मदर, क्योंकि अभी भी मदर जो है ड्रॉपलेट ट्रांसमिट कर सकती हैं, अपने मुंह से जो बात करेंगे तो बात करते हुए ड्रॉपलेट बच्चे के डायरेक्ट शरीर के अंदर, मुंह के अंदर जा सकता है। तो इसीलिए आपको मास्क पहनना पड़ेगा, फेस कवर, फेस मास्क आपको पहनना पड़ेगा बच्चे को हैंडल करने समय, बच्चे के पास जाते समय, और हैंड हाइजीन खुद हैंडल करनी पड़ेगी आपको, अपना पूरा हैंड हाइजीन, फेस कवर, जितना हाइजीन आप एक दूसरे से मिलने, उससे ज्यादा हाइजीन आपको रखना पड़ेगा बच्चे से मिलने से पहले। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक पॉजिटिव मदर का, नेगेटिव मदर का। हाँ, अगर कोई मदर नेगेटिव है, मदर को कोरोना वायरस नहीं है, और उस मदर को बच्चा पैदा होता है, न्यूनेट है, अभी अभी पैदा हुआ है, तो उस बच्चे, वो बच्चा ऑब्वियसली सेफ है, उस बच्चे को उस मदर से कोई खतरा नहीं, ठीक है, तो वो बच्चा अपने मदर के पास रह सकता है, ना ही उस बच्चे की टेस्टिंग की आवश्यकता है। टेस्टिंग की आवश्यकता बच्चों की क्यों होती है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था। वैसे अगर कोई पॉजिटिव मदर है जिनको कोरोना वायरस है, उनका बच्चा पैदा होता है, तो कायदे से बच्चे के भी टेस्टिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ सीडीसी, कायदा उसे कहता है। सो ये हिसाब किताब है, बच्चों के
और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन का। और इसके अलावा याद रखिए बच्चों में डेथ रेट या बीमारी सीरियस हो जाने का रेट बहुत कम है, ऑलरेडी हमने पिछले बार समझाया है। 2 साल से नीचे के बच्चे जो हैं उनको आपने मास्क नहीं पहनाना है, उनको घर पे रखना है। उनकी सिक्योरिटी आपके हाइजीन पे डिपेंड है, आपकी सिक्योरिटी पे है, घर की सफाई पे है। जितनी ज़्यादा घर की सफाई करेंगे, जितना ज़्यादा उनके कमरे की सफाई करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। जितना आप अपने हाइजीन रखनी है, होम हाइजीन, हैंड हाइजीन, मुंह पे मास्क, बच्चे छोटे बच्चे दूसरे बच्चों को सिखाना, ये सारा अपना मोबाइल फोन, अपना टीवी रिमोट, अपनी घर के कमोड, वो सब साफ रखना, ये सब पे डिपेंड करता है। सो होपफुली सब कुछ आपके घर में कुशल मंगल हो। फिर भी कुछ दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर पीडियाट्रिशियन से बात करें, डॉक्टर से बात करें आगे क्या करना है, वो आपके बेस्ट गाइड है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। प्लीज शेयर दिस वीडियो।